हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फैक्ट ऑफ रियलिटी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि किसी जानवर की हत्या करना एक गलत बात है, लेकिन जानवरों की दुनिया में इसको गलत नहीं माना जाता है। किसी जानवरों की दुनिया में कोई जानवर दूसरे जानवर को मारकर खाता है तो इसका मतलब वो केवल अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए उसका शिकार करता है। प्रकृति ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। यदि वो शिकार करके अपना पेट नहीं भरेंगे तो वो अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे और जीवित रहने के लिए मरता क्या नहीं करता है। लेकिन कभी कभी जानवर ऐसे ब्रूटल अटैक कर डालते हैं कि जिसको देखकर दुनिया हैरान हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ खतरनाक जानवर के अटैक्स के बारे में बताएंगे जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाओगे। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की रोमांचक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि एक विशाल का सांप यानी कि किंग कोबरा ने एक मॉन्टल लिजर्ड को अपने कब्जे में ले रखा है। हालांकि ये मॉन्टल लिजर्ड किंग कोबरा से बचकर भागने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन ये किंग कोबरा इतना विशाल का है, इतना बड़ा है कि इसके सामने मॉन्टल लिजर्ड की कोई औकात नहीं। दोस्तों, आपको बता दें, किंग कोबरा दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप है और इसकी लंबाई 18 से लेकर 20 फीट तक हो सकती है। इतनी भी कोशिश करने के पश्चात ये मॉन्टल लिजर्ड किंग कोबरा से भाग नहीं पाती और किंग कोबरा बड़े ही ब्रूटल तरीके से इसको मारकर पूरा का पूरा साबूती निगल जाता है। इस वीडियो में आप साफ तरीके से देख पा रहे होंगे कि कुछ चीता ने विल्ड बीस्ट को घेर लिया है। चीता काफी ज्यादा फुर्तीले और काफी ज्यादा रफ्तार पे तेज होते हैं, लेकिन क्या ये विल्ड बीस्ट का शिकार करने में सक्षम है? तो जी हाँ, आपको बता दें, चीता आमतौर पे विल्ड बीस्ट का शिकार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ तो एक छोटे विल्ड बीस्ट के बच्चे ने तीन तीन चीता के लगातार प्रयास करने के पश्चात भी विल्ड बीस्ट का बच्चा इनके काबू में नहीं आया। हालांकि सलाम है उस विल्ड बीस्ट के बच्चे को, उसकी निडरता के कारण आज उसकी जान बच गई। जानवर को तो आप सभी लोग जानते होंगे, यह है एशिया का सबसे बड़ा मांस भक्षी यानी कि टाइगर। इसने अभी अभी एक बारहसिंगा पर नजर गड़ाई है और ये बारहसिंगा पर अटैक कर चुका है। बारहसिंगा इसे छूटने के बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है। हालांकि बारहसिंगा इससे लंबा और बारहसिंगा के पास भी खतरनाक सींग है, लेकिन इस टाइगर के अटैक टेक्निक इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उससे बच पाना वाकई में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जैसे ही बारहसिंगा ने खड़े होकर भागने की कोशिश की, वैसे ही टाइगर ने उछलकर उसकी गर्दन पकड़ ली और गर्दन पकड़ने के पश्चात तो अब जानते हैं टाइगर की बाइट फोर्स कितनी ज्यादा अधिक होती है। 1050 PSI इतनी बाइट फोर्स बारहसिंगा की श्वास नली काटने के लिए बहुत ज्यादा अधिक है। हालांकि लोगों के बारहसिंगा के प्रति संवेदना तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं जब टाइगर किसी को अपना शिकार बनाता है। इस छिपकली को तो आप सभी लोग जानते हैं, यह है दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली यानी कि कोमोडो ड्रैगन। इसने अभी अभी एक हिरन को काटा है। हालांकि हिरन इससे छूटकर बहुत दूर तक भाग चुका है, लेकिन इस छिपकली के जहर से शायद वो बच पाए। और इस छिपकली की सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा तेज होती है कि अपने शिकार को ढूंढ सकती है। इसने अपने शिकार को ढूंढ लिया है और जिंदा ही, अभी इसका शिकार मरा भी नहीं है। इतनी सारी कोमोडो ड्रैगन उस पर टूट पड़ी है, उसका पेट फाड़ कर उसकी ऐसी हालत कर दी है कि वो अब नहीं बच सकता। हालांकि ये दृश्य काफी ज्यादा डराने वाला है। ये कोमोडो ड्रैगन इतनी ज्यादा खतरनाक है कि जिंदा का जिंदा ही हिरन को निगल गई। देख पा रहे होंगे कि एक विशाल का एनाकोंडा पिग के बच्चे के बारे में घुस गया है। यहाँ पिग का बच्चा भी सो रखा है, लेकिन एनाकोंडा ने उस पर इतनी तेजी से प्रहार करा और अपनी कुंडली में ऐसा लपेटा कि उसकी शरीर की एक एक हड्डी के अब तक चूरे हो चुके होंगे। उसके पश्चात एनाकोंडा पिग के बच्चे को पूरा का पूरा निगल जाता है। हालांकि दृश्य काफी डराने वाला है, लेकिन जानवर की दुनिया में यदि एनाकोंडा शिकार नहीं करेगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। आपने आमतौर पर सुना होगा कि शेर जब झुंड में होते हैं तभी हमला करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक अकेले शेर ने पूरे के पूरे भैंसों के झुंड पे हमला कर दिया है और एक भैंस को इसने अपना शिकार बना लिया है। हालांकि ये केप पेफेलो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन शेर की बाइट फोर्स के आगे टिक नहीं पा रही है। शेर ने डायरेक्ट इसके गले पे हमला किया है और शेर के हमले से इसकी श्वास नली कटने के पश्चात इसकी तुरंत मौत हो सकती है। लेकिन ये क्या, देखते ही देखते एक शेर से दो शेर हो चुके हैं। अब तो इस भैंस का बचना नामुमकिन सा प्रतीत हो रहा है। दोस्तों, इस तरह के ब्रूटल अटैक्स आदमी का दिल दहला देते हैं। दोस्तों, एक बार फिर से देखिए किंग कोबरा का खतरनाक अटैक। यहाँ किंग कोबरा ने एक बार फिर से मॉन्टल लिजर्ड छिपकली को पकड़ा है। हालांकि इस बार ये दोनों बीच सड़क पर हैं, लेकिन यदि कोई गाड़ी आ जाए तो इन दोनों की मौत होना निश्चित है। फिर भी ये निडर होकर दोनों आपस में युद्ध कर रहे हैं।
लेकिन इस मुकाबले में मोर इंटेलिजेंट भागने के प्रयास कर रही है, तो वही किंग कोबरा ने अपने मुंह से उस पर पकड़ बनाए रखी है। हालांकि मोर इंटेलिजेंट किंग कोबरा को खींचने में सक्षम हो रही है, लेकिन वो भाग नहीं पा रही है। और अंततः आगे क्या हुआ ये तो खैर किसी को नहीं पता लगा, क्योंकि इस वीडियो की फुटेज इतनी थी। लेकिन निश्चित ही यहाँ पर किंग कोबरा मोर इंटेलिजेंट में भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने अभी एक वीडियो में देखा था जहाँ पर एक शेर अकेला ही पूरे भैंस के झुंड पर भारी पड़ गया था। लेकिन कभी कभार ये बाजी उल्टी हो जाती है, जब कोई निडर भैंसा शेर के आगे आ जाता है तो शेर को भी अच्छी खासी पटकनी दे रहता है और शेर की भी जान जा सकती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि शेर पूरा संघर्ष कर रहा है, लेकिन जंगली भैंसे ने अपने सिंह से शेर की ऐसी हालत कर दी है कि शेर अब जिंदा नहीं बच पाएगा। ये निडर भैंस को सलाम है हमारी तरफ से। तो ये एकता की शक्ति का ऐसा एक उदाहरण है कि जिसको नकारा नहीं जा सकता। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बाइसन यानी कि अमेरिकन बाइसन काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इनके पूरे झुंड को भेड़ियों ने एक विशेष रणनीति और अपनी अधिक संख्या के दम पर काफी दूर तक भगा लिया है। जैसे ही कोई बाइसन थक जाएगा और गिर जाएगा, पूरा का पूरा भेड़िए का झुंड उस पर टूट पड़ेगा। शिकार का काफी लंबी दूरी तक पीछा करने के लिए जाने जाते हैं। ये अपने शिकार का विशेष रणनीति बनाकर उस पर हमला करते हैं। इनका एक नेता होता है जिसे अल्फा वोल्फ बोला जाता है। इस जीव को तो आप सभी लोग जानते होंगे, यह अमेरिका का फेमस जगुआर। हालांकि इसी से मिलता जुलता एक जीव इंडिया में रहता है जिसको हम लेपर्ड के नाम से यानी तेंदुआ बोलते हैं। लेकिन अमेरिकन जगुआर काफी ज्यादा मस्कुलर होते हैं। यहाँ अमेरिकन जगुआर ने पानी के किनारे उदबिलाव शिकार बनाने के बारे में सोचा है। जैसे ही जगुआर उस पर हमला करता है वो पानी की तरफ भागता है, लेकिन जगुआर की बाइट फोर्स इतनी ज्यादा अधिक है कि उसने अभी तक उदबिलाव को खींच के रखा है। जगुआर की बाइट फोर्स आपको बता दें बिल्ली प्रजाति में सबसे ज्यादा अधिक होती है, यानी कि 1350 psi। इतनी अधिक बाइट फोर्स जंगल के राजा शेर और टाइगर की भी नहीं होती है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे कि पानी का राजा मगरमच्छ होता है, लेकिन ये आपने कभी सोचा है कि पानी के राजा मगरमच्छ को कोई पानी के अंदर से उठा सकता है, यानी कि उसको उसके घर के अंदर से कोई उठाने की हिम्मत रखता है? तो देखिए इस वीडियो में, यहाँ पर जगुआर ने एक खतरनाक हमला किया है, पानी के राजा मगरमच्छ को उसी के पानी के अंदर से निकाल के बाहर ले गया है। हालांकि जब ये वीडियो पूरी दुनिया ने देखा तो पूरी दुनिया सकते में पड़ गई। क्या जगुआर वाकई में इतना ताकतवर है? क्या जगुआर इतना क्लेवर प्रीडेटर है? अब तक हमने आपको एनाकोंडा के खतरनाक हमलों के बारे में तो बता दिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्लैक पैंथर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो एनाकोंडा को पानी के अंदर से खींच के बाहर ले आता है और उसे अपने नाखूनों से और अपने कैनाइन टीथ से फाड़ के उसका शिकार करने में सक्षम है। देखिए इस वीडियो में, ये वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था जब ब्लैक पैंथर ने एनाकोंडा को पानी के अंदर से खींच निकाला। हालांकि ऐसी वीडियो बहुत ज्यादा रेयर होती है जो कभी कभार ही देखने को मिलती है, और दुनिया में कभी कभार ऐसे दृश्य होते हैं जब एनाकोंडा और ब्लैक पैंथर जैसे जीव आपस में भिड़ते हैं। हालांकि एनाकोंडा ब्लैक पैंथर पे ज्यादा वजनी होता है, और वैसे भी इस वीडियो में जो दिखाया जा रहा है वो है ग्रीन एनाकोंडा जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। लेकिन यह ब्लैक पैंथर की खतरनाक अटैक टेक्निक के आगे ग्रीन एनाकोंडा टिक नहीं पा रहा है। दोस्तों पाइथन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं कि पाइथन दुनिया का सबसे लंबा सांप होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मोर इंटेलिजेंट भी पाइथन का शिकार है? आज पाइथन ने मोर इंटेलिजेंट के ऊपर ऐसी कुंडली कसी है कि काफी संघर्ष करने के पश्चात भी मोर इंटेलिजेंट छूट नहीं पा रही है। सभी लोग जानते हैं जिसकी किस्मत अच्छी हो, जिसकी किस्मत है उस दिन मरना ना लिखा हो, उसे कोई नहीं मार सकता। यह मोर इंटेलिजेंट की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसको वहां का एक ग्रामीण निवासी मिल गया जिसने उसे पाइथन की जकड़ से छुड़ा के आजाद कर दिया। हालांकि मोर इंटेलिजेंट को खुद पर भी विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों ये थे जानवरों की दुनिया के कुछ खतरनाक हमले। यदि आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके लिए डेफिनेटली दूसरा पार्ट जरूर बनाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जरूर बताइएगा ये वीडियो कमेंट में आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।